सिद्धार्थ शुक्ला, और सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो शो को रन कर रहे हैं, कि इतना बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे शो को होस्ट कर रहा है तो उनके मुंह से तुम्हारा नाम निकलता है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम उनसे आकर के सवाल जवाब करते हो, उनके बारे में बिचिंग करने लगते हो, उनके बारे में बुरी बातें बोलते हो, दिस इज पैथेटिक। तो वो लेवल का गंदा गेम चलता है अंदर। बिग बॉस के घर की बात ही निराली है, उतने ही निराले घर के सारे कंटेस्टेंट्स भी हैं। लेकिन हम जब कोई बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट से बात करें तो हमें घर के बारे में और भी अच्छे से पता चल सकता है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे बिग बॉस की कुछ चटपटी बातों पर। बहुत क्या माहौल क्या रहता है कि सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मुझे लगता है आज हमारी जो बातचीत है इसकी, उसमें मैं एक अहम बात ये कहना चाहता हूँ कि बिग बॉस जो शो है, इस शो में जो सबसे खास बात है वो आप समझ लें कि शुक्लाओं का आना जाना बना रहेगा आने वाले समय में भी, क्योंकि शुरुआत हुई थी सीजन 1। सीजन 1 में आए थे रवि किशन शुक्ला, उसके बाद सीजन 6 में आए संतोष शुक्ला, और अब सीजन 13 यानी कि सीजन 13 में आ गए सिद्धार्थ शुक्ला, और सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो शो को रन कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोला है हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत इंसान, सबसे बड़े सुपरस्टार, और हमारे और आप सबके भाईजान सलमान खान ने पिछले शनिवार को। अब इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है शुक्लाओं के लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ब्राह्मणों के पास होती खोपड़ी दिमाग, तो वो दिमाग जो है वो शातिर दिमाग मुझे लग रहा है, मास्टर माइंड अगर शुक्ला जी के पास है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो उस दिमाग को अच्छी जगह लगा रहे हैं, वो अपने गेम को स्ट्रांग कर रहा है, अपने गेम को अच्छा कर रहा है। आप कहीं भी देखिए, पूरे शो में कहीं ना कहीं, कहीं भी, किसी भी एपिसोड में कोई एक ऐसी चीज़ पकड़ में नहीं आती जहाँ सिद्धार्थ शुक्ला गलत लग रहा हो। मुझे अभी तक नहीं लगा, मैंने रिवाइंड करके कुछ एपिसोड्स मेरे मिस हो गए थे वो भी देखे मैंने, एंड आई रियली फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही अपने जो होता है ना, आप अपने आदर्शों को फॉलो करने वाला इंसान लगता है, और खुले शब्दों में अगर मैं बोलता हूँ तो एक ऐसा लगता मर्द है, ही इज़ अ मैन इन द हाउस, सिद्धार्थ शुक्ला इज अ मैन इन बिग बॉस 30। थोड़ा सा अगर बात की जाए, घर में जो है रोमांस की जो बात होती है वो काफी अलग लेवल पे बात होती है। तो थोड़ा सा अभी क्रिएट किया जा रहा है विशाल आदित्य सिंह और आरती जो है हमारे घर में। मैं अभी यहाँ पे आपके सवाल को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा स्नेहिल, कि रोमांस जो होता है ना वो क्रिएट नहीं किया जाता है, रोमांस जो है ना वो इश्क जो होता है, प्यार जो होता है वो हो जाता है, वो क्रिएट तो नहीं होता है। क्रिएट तो फिर मतलब आप तो फेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। तो वो है, जैसे मैं अपने सीजन में मुझे इश्क हो गया था, तो वो हो गया था इश्क, वो हो जाता है इश्क, माहौल है, इतने लिमिटेड लोग घर के अंदर रह रहे हैं और ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा वातावरण हो जाता है, और उसमें फिर उन्हीं लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो उसी में किसी से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, कई बार वो अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है, कई बार प्यार के बाद लोग बाहर आने के बाद शादी भी कर लेते हैं। तो वो लेवल का गंदा गेम चलता है अंदर, और चल रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। तो अभी वो सब गेमर बैठे हुए हैं, सब प्लेयर्स हैं, और इस बात से बेखबर है कि जो सबसे बड़ा गेमर और जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है बिग बॉस खुद। जो बिग बॉस है ना वो खुद सबसे बड़े गेमर और प्लेयर है, क्योंकि उनको पता है कि ये सब कठपुतलियाँ हैं, हमको कैसे नचाना है। वो एक ऐसा टास्क देंगे कि वो टास्क का पूरा नहीं कर पाओगे, जब टास्क पूरा नहीं कर पाओगे तो राशन कम हो जाएगा, राशन कम हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो पेट की आग जो है वो दिमाग में जाएगी, और उसके बाद वो आग घर वालों के ऊपर निकलेगी, उसमें लड़ाई झगड़े होंगे, एंड देन दे विल गेट अ एंटरटेनमेंट एंड टीआरपी व्हाट दे वांट। जब मैंने रिसेंटली मैं ये चीज़ देखा था कि घर के जो सदस्य हैं, देवलीना हो, रश्मि हो, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ जो है वो कोई काम नहीं करते, फिर भी सलमान जो है वो उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हर चीज़ में ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सलमान कितने बायस रहते, कितने उनका फेयर डिसीजन होता है? देखिए, ये अच्छा हुआ आपने सवाल मुझसे पूछा, मैं मुझे आइडिया नहीं था, शायद ये कुछ एपिसोड्स मैंने मिस कर दिए हैं। मैंने पारस का सुना था कुछ बोलते हुए सलमान भाई के लिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, यू नो, आप शो में जाकर के गेम खेलें, बट मुझे पता है आप वो शो में आप बिल्कुल मर्यादाओं को सारी पार कर देंगे, ऐसा आप दिमाग में लेकर के गए हुए हैं, बट यार इस बात की तो थोड़ी सी इज्जत रखो, थोड़ा सा ख्याल रखो कि ये जो शो है ना, इसको सलमान खान साहब, हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत आदमी
और इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप उनसे कोई ऐसी बदतमीजी ना करें, कोई ऐसा गलत सवाल ना करें या उनके पर कोई ऐसा गलत आरोप ना लगाएं जिससे उनके फैंस नाराज़ हो जाएं, उनके चाहने वाले नाराज़ हो जाएं। ये बहुत गलत चीज़ है मुझे लगता है कि इतना बड़ा सुपरस्टार तुम्हारे शो को होस्ट कर रहा है तो उनके मुंह से तुम्हारा नाम निकलता है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, वरना तुम्हारे जैसों को तो 10-20 किलोमीटर दूर खड़ा रखेंगे वो। तो तुम लोग उनको टारगेट करते हो, तुम उनसे आकर के सवाल जवाब करते हो, उनके बारे में बिचिंग करने लगते हो, उनके बारे में बुरी बातें बोलते हो। दिस इज पैथेटिक, रेडिकुलस, मैं घोर निंदा करता हूँ इसकी। व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा आपकी एंटरटेनिंग चीज़ें दिखने वाली है उनको, जिसका उनको बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमेशा। बिल्कुल, हिंदुस्तान की जनता और आवाम को मैं इस बात का मैं पूरे होशो आवाज़ में आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूँ और पक्का वाला प्रॉमिस करता हूँ कि 2020 में बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारे बड़े बड़े शोज़ और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में वजनदार और दमदार रोल निभाते नजर आएंगे आपके अपने शुक्ला जी, संतोष शुक्ला। हर हर महादेव, लव यू गाइस, जय हो, थैंक यू स्नेहिल, थैंक यू।